हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट्स। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है उत्तराखंड, भारत का जन्नत जैसा राज्य। तो उत्तराखंड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक खूबसूरत और शांत राज्य है। इस जगह का शुमार देश के उन चुनिंदा जगहों में है जो अपनी सुंदरता के चलते दुनिया भर के टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देवताओं की भूमि के रूप में जाने जाने वाला उत्तराखंड अपनी शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती के कारण काफी मशहूर है। इसे भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र और अनुकूल स्थान माना जाता है। इस खूबसूरत राज्य के उत्तर में जहाँ तिब्बत है, वहीं पूर्व में नेपाल देश है, जबकि इसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। इस राज्य का मूल नाम उत्तरांचल था, जिसे बदलकर जनवरी 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। साथ ही साथ आपको उत्तराखंड राज्य की कौन सी बात सबसे अच्छी और कौन सी बात सबसे बुरी लगी और आप उत्तराखंड क्यों जाना चाहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट नैनीताल में है, जो इस राज्य का महत्वपूर्ण शहर है। 9 नवंबर 2000 में एक अलग औपचारिक राज्य बनने के बाद यह अपने आप में पूर्ण राज्य बन गया। इस प्रदेश का निर्माण देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाकर किया गया। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा है। नैनीताल एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जो समुद्र तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर बसा है। स्वर्ग का यह हिस्सा अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1841 में खोजा गया था और एक हॉलीडे रिजॉर्ट में बदल दिया गया। शब्द नैनी हिंदू देवी नैनी के नाम से पड़ा, जिनका मंदिर झील के किनारे पर स्थित है। पहाड़ियों की रानी मसूरी देखने लायक जगह है। इसकी खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियाँ और शक्तिशाली हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वतमाला इस जगह को स्वर्ग बना देती है। अर्थव्यवस्था हाल ही में कुछ तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। कृषि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ के महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गंगोत्री मंदिर यहाँ एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा राजा अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। हरिद्वार का शाब्दिक हिस्टोरिकल उसके बहुत मतलब जो मंदिर भी है वो हिस्टोरिकल के बीच स्थित यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह पवित्र शहर भारत के 7 पवित्र शहरों यानी सप्तपुरी में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गर्मियों के दौरान इस तीर्थ स्थल पर पर्यटकों की भारी भीड़ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। रामगढ़ उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये जगह दो भागों में विभाजित है, जिसे मल और दूसरा ढलान पर स्थित है, जिसे तल्ला के रूप में जाना जाता है। शहर के भागदौड़ से बचने के लिए पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मंत्रमुग्ध करने वाला बर्फ से ढका हिमालय और शांत वातावरण इसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाते हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी पर स्थित राम झूलापुर देहरादून और पौनी जिले को जोड़ता है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर्स एंड पल बोर्ड की फैक्ट्रियां लाल कुआं में है। पौड़ी का रांची स्टेडियम एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम नेचर नहीं मतलब भारत के सबसे मॉडर्न रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। इसमें 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 स्क्वैश कोर्ट, 3 बास्केटबॉल मैदान और एक जिम्नास्टिक सेंटर है। कई तीर्थयात्री कैलाश, अल्मोड़ा, अगस्त्य मुनि, बद्रीनाथ, कैलाश पे इधर भी पाए जाते हैं, गंगनानी, गंगोली हाट, गंगोत्री और गौरीकुंड जैसे स्थानों पर देवताओं के दर्शन हेतु उत्तराखंड आते हैं। अन्य प्रसिद्ध स्थलों में हरिद्वार, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और जोगेश्वर शामिल है।
उत्तराखंड प्रोजेक्ट पर शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य है। देहरादून में स्थित आईटी पार्क 6 फरवरी 2003 को स्थापित की गई थी। इस आईटी पार्क को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है। काफ़ी मज़े के इफेक्ट्स थे और मुझे आज से पहले उत्तराखंड का मैंने शायद एक दफ़ा नाम सुना, लेकिन कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है और चाहे उसके आसपास ज़्यादा पहाड़ हैं या समुद्री इलाका है। तो आज ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मैं अमेज हूँ ये चीज़ देख के। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि इस वीडियो में थोड़ा लोगों के बारे में कम बताया गया था, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें डिटेल में जाके कोई व्लॉग देखें, उत्तराखंड के लोग देखें और इस तरह के एक्सप्लोर करें ज़रा, बिल्कुल अच्छा। हाँ, वो किसी शहर पे किया होगा तो वो इतना मुझे याद नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें भी हम लोग दे सकते हैं। तो बहुत ही मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कश्मीर जैसी वाइब है, गिलगित की तरह की, और पहाड़ी इलाका है, बहुत ग्रीन था और जितना नेचर की तरफ है उतना ही डेवलपिंग भी है, मॉडर्न भी है, हर चीज़ को डेवलप्ड किया गया है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाए गए हैं, अच्छी फैक्ट्रीज हैं, और इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। ये देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तमाम बड़े शहर छोड़कर इस तरह के स्टेट में जहाँ पे यानी कि किसी चीज़ को फैसिलेट करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ पे किसी चीज़ को लेके जाना, तो वहाँ पे अगर इंडिया की कोई बड़ी कंपनीज हैं तो वो देख के बड़ी खुशी होती है हम लोग को। तो बहुत कमाल की वीडियो होती है। इंडिया के आप अगर साउथर्न साइड को देखो तो वहाँ पर बीच आपको ज़्यादा मिलेंगे, खूबसूरत खूबसूरत बीच है। और अगर आप नॉर्दर्न साइड को देखो तो आप पहाड़ी इलाका, जो माउंटेन रेंज है, और मतलब आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिखेंगे, आपको ग्रीनरी से ढके हुए ज़मीनें, मैदान और पहाड़ भी दिखेंगे। इस तरह अभी इस वीडियो में दिखाया गया कि जो सारे जो माउंटेन के इलाके थे वो वहाँ पर जिस तरह घर बने हुए थे, मतलब बिल्कुल सच वीडियो में सही कहा था टाइटल में कि मतलब एक जन्नत हम इसको कह सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो एक रिलैक्सिंग, मतलब आप सोच भी अगर लेते कि इफ़ आई वर देयर तो आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग आ जाती। तो ये सच में इसकी टाइटल से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी बनाई थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से फिल्म किया था, तो वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इसी तरह एक वीडियो काफ़ी अच्छी थी और ये काफ़ी खूबसूरत जगह, यहाँ रेन वगैरह भी ज़्यादा होती है, यहाँ फॉग वगैरह होता है, लोग इंडिया के बहुत दूर दूर से यहाँ इस जगह घूमने आते हैं। और यहाँ चूँकि बड़े इंडिया के जो हिंदू कल्चर में इनके जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना, जैसे केदारनाथ हो गए या बाकी और जगह, बाकी जो टेंपल्स या मंदिर जो आप कहते हैं, वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, और लोग इंडिया के एक कोने से एक कोने से दूसरे कोने, ये बहुत मिसाल में कहता हूँ, मुंबई से, दिल्ली से, एक दुनिया इंडिया के हर जगह से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ इस मंदिर को देख सके। और यहाँ मैंने एक हम लोग इंडिया का एक व्लॉगर है जो मेरे ख्याल सौरभ जोशी है, वो भी अभी उत्तराखंड में ही रहता है, तो उनके व्लॉग में मैंने एक दो दफ़ा देखे, तो वो भी उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। तो उत्तराखंड काफ़ी खूबसूरत जगह है और इसमें कोई शक नहीं, एक जो जन्नत का एक टुकड़ा कह लीजिए, क्योंकि यहाँ इतनी यहाँ आबशार वगैरह भी हैं और पहाड़ वगैरह, और ये इस वीडियो में खैर इतना वो डिटेल से नहीं बताया गया, और इसमें और कल्चरल वाइब्स भी आ जाती, पीपल यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो ये अगर आप एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को वीडियो पे कमेंट करिएगा, और ताकि हम इससे भी बेहतर और सजेशंस दें कि हम लोग और कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।